वो तो राजू बहुत दिन भटकाया, राजू ने 5 साल से भटक रहे थे, पर अब राजू मिल गया है तो हमको बहुत खुशी हो रही है। आप उनको लेने जा रहे हैं, आपके मन में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि अब लेने जा रहे हैं, पर अब जो सरकार सहायता करे वो सही, हम तो अभी परेशान हैं क्योंकि 5 साल से भर रहे हैं साहब कर्जे के, कर्जे में दब गए हम तो। अब जो सरकार इतना करा है तो इतना भी करके हमारे घर तक पहुंचा दे, बहुत बहुत धन्यवाद हम जी। पाकिस्तान जो इंदौड़ी का राजू पिता लक्ष्मण चला गया था उसको पाकिस्तान के द्वारा जो है रिलीज कर दिया गया है 14/2 को, और वहाँ से हमको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला अमृतसर से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनको प्राप्त करना है, इसलिए जो है हमने 4 सदस्यीय एक दल बनाया है जिसमें एक मेडिकल का कर्मचारी भी है, एक शासकीय कर्मचारी और 2 पुलिस के जवान हैं जो वारंट के साथ उनको जो है प्राप्त करने के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ लाने के बाद क्या उसके साथ किसी से कोई पूछताछ होगी या कुछ? उसकी जो गुमशुदगी दर्द जो हुई थी उस हिसाब से उसको जो है पुलिस कार्रवाई करके उसको वापस सौंप देंगे उसके परिवार को। देते हैं क्या संघर्ष रहा जो इन 5 सालों में, किस तरह से आपने उसको खोजा है? हर प्रयास कर लिए हमने, जहाँ भी किसी ने बोला वहाँ पर हमने फाइलें दी है, पर हमको पता कुछ नहीं मिला और अचानक राजू की छुट्टी हो गई। सरकार के प्रयासों से जो है वो वापस लौट रहे थे, हाँ क्या इस तरह से धन्यवाद देंगे सरकार को? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि सरकार ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है कि हमारी बहुत बड़ी अमानत हमको लौटा दी है साहब। पिछली बार आपने मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से दोनों से मांग करी थी, फरियाद करी थी, हाँ क्या आप उनको कहेंगे? अब हमने तो मांग करी थी साहब कि हम तो अब क्या दे सकते हैं सरकार को, हम तो धन्यवाद दे सकते हैं, बहुत बहुत खुशी हो रही है हमको भी कि बेचैन हो गए थे पर अब आंखें देखने के लिए बहुत तरस रही हैं। अब आप जाएंगे वहाँ पे लेने अमृतसर में, जब जैसे बताया कि अमृतसर में वो वहाँ पे अभी थे मौजूद, तो क्या आप किस तरह से उसका स्वागत करेंगे, किस तरह से उसको लेकर आएंगे? किस तरह स्वागत करें साहब, वो तो देख के खुशी के मारे कैसे क्या स्वागत करें, उसको तो ऐसा लगता है कि झूम जाएं उसके ऊपर। आप राजू को लेने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या परेशानी के सामने? परेशानी यही है साहब के प्रशासन से, ये उसके पिताजी काफ़ी गरीब परिस्थिति के हैं, प्रशासन से वो अनुरोध कर रहे हैं कि हमें कुछ मदद मिल जाए जिससे हम वहाँ तक चले जाएँ पुलिस विभाग के साथ। हम लोगों को तो वारंट है, जेल वारंट से, ये रेलवे वारंट के माध्यम से जा रहे हैं, तो उसके पास इतना किराया खर्च नहीं है,